हो चुका है सुबह, यानी आज हमारा चेन्नई का फर्स्ट डे है और सुबह का करीबन 5 बज रहे हैं और इस समय का व्यू आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है, सब कुछ अंधेरा और अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक। हम आ गए हैं मेन गेट के पहले वाले गेट पर और यहाँ पर देखिए ये स्टैचू जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये एक तरह से रिसेप्शन है। अगर आपको एंटर करना है तो यहाँ रजिस्टर में लिखना पड़ता है, हम लोग को नहीं, जो अगर कोई नया आ रहा है उनके लिए। तो अब चलिए जो मेन डोर होता है वहाँ पर चलते हैं। तो हम पहुंच गए मेन डोर और ये लॉक खुला हुआ है और ये हमारे पी प्रेसिडेंसी क्लब का जो होटल का सिंबल है और यहाँ पर इसका नाम भी आप देख सकते हैं, द प्रेसिडेंसी क्लब, जो कि चेन्नई में ये होटल है। तो आज और इस तरफ भी एक बोर्ड लगा हुआ है और ये रहा हम लोग का होटल का गेम मेन गेट और यहाँ पर ये कैफ़े भी है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं या आप चेन्नई के होंगे तो देखे भी होंगे। तो आज हम कैफ़े जिस तरफ था, यानी अगर हम आज चलेंगे लेफ्ट साइड की ओर, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर अभी सुबह सुबह आपको एक चाय का दुकान खुला हुआ दिख रहा होगा और ये पूरा रोड अभी और कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पर हर जगह लाइट है, स्ट्रीट लाइट, यानी जो रोड में जलने वाला है, तो इसीलिए उतना कुछ नहीं है। और सुबह का व्यू आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तालाब है गंदा पानी का बहने के लिए, जिसमें बहुत स्मेल आ रहा था और ये उसी का ब्रिज है। तो आप यहाँ से पार होंगे तो ये चीज़ आपको दिखेगा, स्मेल भी आएगा, तो इसलिए जल्दी क्रॉस कर लीजिए। और यहाँ पर सुबह सुबह पानी इस टैंकर से फिल हो रहा है आसपास के जहाँ भी सप्लाई करना है उसके लिए, और दुकानें तो अभी बंद ही है। रोड में यहाँ पर इंग्लिश या फिर तमिल, ये दो ही लैंग्वेज आपको मिलेंगे, हिंदी नहीं मिलेगा। और आपको ये स्टैचू जैसा बना हुआ है जो फुव्वारे पानी का, याद होगा हम लोग कल 3 नगर जो मार्केट गए थे यहीं से राइट साइड गए थे, तो आज हम लेफ्ट साइड चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो हम राइट लेफ्ट साइड चल जा रहे हैं और यहाँ पर हमें ताज होटल भी दिखा था, जिसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था, और साथ साथ हाँ यहाँ भी ताज होटल है, जैसे हम बम्बई में है वैसे ही चेन्नई के अंदर भी। और हम आगे जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और यहाँ पर इतने सुबह भी पूरा का पूरा बस चल रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेट्रो, जिस स्टेशन पे हम लोग उतरे थे LIC, उसका बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। और सामने ही आपको LIC का ये बिल्डिंग ही भी मिल जाएगा, जिस कारण इस
मेट्रो स्टेशन का नाम LIC है। चेन्नई में किस तरह के बिल्डिंग्स है, किस तरह के रोड्स है, आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ भी सड़क के किनारे लोग सोते हैं और ऑटो और टेम्पो जैसे नॉर्मली जगह पर होता है वैसा है। और सुबह सुबह देखिए ये कौवा भी यहाँ पर है। किसी भी जगह अगर आपको रास्ते जानना हो, अच्छे से सही से जानना हो, तो आप सुबह सुबह का मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या शाम के समय जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, तो आप बहुत कुछ यहाँ आसपास के चीज़ों को जान पाइएगा। ये एक देखिए अंडरग्राउंड है, जैसे बहुत जगह रहता है कि आप यहाँ से एंटर कीजिए और रोड क्रॉसिंग के लिए दूसरी तरफ अंडरग्राउंड ही बाहर निकल जाइएगा, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ के बिल्डिंग्स भी यहाँ पर भी आपको रोड के किनारे डिफरेंट सुंदर सुंदर पेंटिंग मिल जाएंगी। और हाँ, यहाँ पर दोनों तरह के थॉट्स लिखे रहेंगे आपको, तमिल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। और लोग यहाँ पर सुबह सुबह दौड़ भी रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ₹45 हो चुका है और हम लौट रहे हैं। और आपको ये झरना हमेशा सिंबल के रूप में याद रखना होगा अगर आपको इस रोड से उधर उधर जाना है तो। इसी सिंबल के थ्रू हम कल ती नगर गए थे, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पिछले ब्लॉग देखा होगा तो। और यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं दोनों तरह के आपको पोस्टर मिल जाएंगे, तमिल में भी और इंग्लिश में भी, रोड के किनारे दीवारों पर लगे हुए बनाए गए हैं। यह यहाँ का बस स्टॉप आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे नॉर्मली हर जगह का बस स्टॉप रहता है वैसे ही है। और फुटपाथ भी बना हुआ है। सुबह सुबह अगर आप कहीं भी घूमते हैं तो एक रिफ्रेशमेंट महसूस होता है। और देखिए जो रोड किनारे जो ठेला लगाते हैं या चीज़ें बेचते हैं, वो लोग भी अपना अपना सामान बेहतर बना रहे हैं और रेडी हो रहे हैं सुबह के लिए तैयारियों में।
तो देखिए हम लोगों ने एक चाय उस सुबह देखा था उस तरफ और अभी इधर वाला चाय भी खुल चुका है और हम वापस आ गए ये मेन गेट पर हमारा प्रेसिडेंसी क्लब जो कि हमारे होटल का नाम है दी प्रेसिडेंसी क्लब। और ये गेट अभी पूरा ओपन हो चुका है और देखिए सुबह का व्यू, उस समय तो अंधेरा था और अभी आप इसका पूरा व्यू देख सकते हैं। तो ये मेन डोर के बाद भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुबह के व्यू में। तो ये सामने एक छोटा सा मंदिर है यानी पेड़ के नीचे बना हुआ है, उसे भी आप देखिए। तो यहाँ श्री विघ्नहर्ता गणेश जी, माता पार्वती और ये शिव जी जो बीच में मिडिल में देख रहे हैं उनकी प्रतिमा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए इनको वस्त्र भी धारण किया गया है, धोती और ऊपर से ये वस्त्र भी, दोनों को ही, गणेश जी को भी और शिव जी को भी। तो इसी प्रभु को नमन करते हुए मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और यहाँ अखंड ज्योत भी जल रहा है दोनों के समक्ष यानी विनायक विघ्नहर्ता गणेश जी और ये शिव जी के बीच और यहाँ पेड़ के नीचे भी है। तो मिलते हैं चेन्नई के एक नए ब्लॉग में एक बार फिर से। तो इस ब्लॉग को मैं ही एंड करता हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।